का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोंटी जनसेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आरआरबी आरपीएफ के कॉन्स्टेबल एंड एसआई का फॉर्म कनेक्शन के डेट के बारे में। आपको मैं बता दूं, आप अपना आरपीएफ में कॉन्स्टेबल का फॉर्म भरे थे या एसआई का फॉर्म भरे थे, आप दोनों में से किसी का भी फॉर्म भरे थे, उसकी जो है कनेक्शन डेट आ चुकी है। अगर आपकी कोई गलती हुई है इस फार्म में तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करना, जब भी आपको पता चल पाएगा स्टेप बाई स्टेप। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का कि कैसे कैसे आप कनेक्शन करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ में, आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा जब भी आपको समझ में आ पाएगा। अभी दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको काम कर देना है, जो भी पहली बार आ रहा है मेरे चैनल पे उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा मेरा जो है मोटिव बढ़ेगा और आप सबका प्यार चाहिए, आप सबके प्यार से ही जो है मुझे आगे बढ़ना है। और आप सबका प्यार मिलेगा तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपने चैनल पर, तो आप भी थोड़ा मेरे लिए जो है मदद कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो जो भी पहली बार आ रहा है। सबसे पहले आपको सरकारजल.com पर आ जाना है, लास्ट जॉब का ऑप्शन मिलेगा इसी के नीचे आपको मिल जाएगा दोस्तों, रेलवे आरपीएफ कॉन्स्टेबल सब इंस्पेक्टर कनेक्शन एडिट फॉर्म 2024, क्लिक कर दीजिए। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 14 मई 2024 रखी गई थी, और अभी जो कनेक्शन डेट रखी गई है इसकी वो 15 मई से लेकर 24 मई के बीच तक आप अपने इसमें सुधार सकते हैं कोई भी गलती हुई है आपकी। तो कैसे आपको सुधार करना है, कितना चार्ज आपका लगेगा, आप बने रहिए वीडियो के साथ में, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको इसमें। अब नीचे आना है, कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पर फॉर कनेक्शन और एडिट फॉर्म आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी हैव अकाउंट पर आप क्लिक करोगे दोस्तों। अब दोस्तों इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको, ऊपर वाली कॉलम में जो है अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, आप इनमें से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर डालिए, अपना पासवर्ड आपने जो बनाया था वो डालना है, ये कैप्चन यहाँ पर डालना है, और नीचे आपको लॉगिन का बटन मिलता है, लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप लॉगिन तो हो जाओगे अपने पोर्टल में, अब देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने पोर्टल में, मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड में डाल चुका हूँ, लॉगिन हो चुका है। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है, मतलब फॉर्म कैसे ठीक करना है वो आप समझिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन हिस्ट्री का, तो आपको अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉर्म आपको दिख रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टेबल आरपीएफ का ये वाला फॉर्म है आपका। इसके सामने आपको देख सकते हैं सक्सेसफुल आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है पेमेंट करने के लिए, ना अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं आ रहा है, बस एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ वाला, ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है मॉडिफाई का, ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ये वाला, ये जो मॉडिफाई का ऑप्शन मिल रहा है आप इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ बोला गया है आपसे कि यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर एक्स प्रिंट नेम फादर नेम मदर नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर 10 दिन आफ्टर द लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिटेड बाई प्लेइंग मॉडिफाई फीस 250 रुपये नॉन रिफंडेबल। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो है इसमें जो भी आप ठीक करोगे उसमें आपका जो है जो फीस कटने वाली है वो 250 रुपये आपकी कटेगी। ठीक है दोस्तों, एक ही बार आप अच्छे से फॉर्म को ठीक करके अपना चेक करके, मतलब जो भी कोई गलती है उसे आप सही ठीक करके अपना 250 रुपये का पेमेंट करोगे। तो दोस्तों पेमेंट आपका देख सकते हैं ये जो है पेमेंट यहाँ पे लग रहा है, पर पेमेंट इन्हें नहीं लेना चाहिए था, आपको इन्हें फ्री में कनेक्शन करवाना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है रेलवे की तरफ से जो है 250 रुपये आपका अमाउंट रखा है कनेक्शन करने के लिए, और 250 रुपये ही अगर आप SC ST या फीमेल के लिए फॉर्म भरे तो 250 रुपये फीस ही आपकी रखी गई थी, तो 250 और 250 प्लस आपका 500 रुपये हो जाता है। तो देख सकते हैं आपके साथ क्या नाइंसाफी चल रहा है, तो आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने जो है आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी आपको ठीक करना है अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो भी है, आप यहाँ पे देखो क्या क्या यहाँ पे ठीक नहीं कर पाओगे। यहाँ तो एक तो अपना कंट्री आप ठीक नहीं कर सकते, अपना डेट ऑफ बर्थ आप ठीक नहीं कर पाओगे,
उसके बाद आप अपना नाम नहीं ठीक कर पाओगे, अपने पिताजी का नाम ठीक नहीं कर पाओगे, अपनी मदर का नाम ठीक नहीं कर पाओगे, जेंडर आप ठीक नहीं कर पाओगे, ईमेल आईडी नहीं ठीक कर पाओगे, मोबाइल नंबर आप ठीक नहीं कर पाओगे। ये चीज़ कुछ ठीक है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे पूछा जा गई थी ये डिटेल, तो ये जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे पूछी गई थी इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप कॉन्स्टेबल का फॉर्म भरे थे, SI का फॉर्म भरे थे, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। नीचे आना है, आप अपना जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, मेल है फीमेल है, धर्म आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज देना है वो चेंज कर सकते हैं, मार्क आप दे सकते हैं, अगर मार्क है नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद एड्रेस आप अपना यहाँ पे सॉरी जाति प्रमाण पत्र वगैरह, अगर आपसे गलती हो चुकी है मतलब गलत डल चुका है आपसे, तो आप यहाँ पे अपना जाति वगैरह में भी संशोधन कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। अपलोड करने में कोई दिक्कत आई है या अपलोड नहीं हो पाया किसी कारण से, जैसे भी है उसे आप अभी सुधार लेंगे। उसके बाद नीचे आना है, एड्रेस आप अपना देख लीजिए, एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एड्रेस आराम से कर लीजिए दोस्तों, जो भी कोई दिक्कत लगती है आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको लगेगा दोनों एड्रेस है तो यहाँ पे आप क्लिक करके दोनों में एड्रेस एक से डाल सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग आप डाल देना। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, आप दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको सबको नो ही रखना पड़ेगा, बाकी जो आपको ठीक लगे यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मैंने तो बता दिया था आपको वीडियो में कैसे कैसे कौन सा नो कौन सा यस करना है। उसके बाद नीचे आना है तो बैंक की डिटेल आपसे पूछी जा रही है, तो बैंक का अगर आपको कुछ भी चेंजिंग करना है वो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी बैंक डिटेल, ठीक है दोस्तों। अगर आपको करनी है तो कर सकते हैं, नहीं करनी है तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद कर देना है सेव और नेक्स्ट कर देना है, डाटा आपका सेव हो चुका है। अब आएगा क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में अगर आपको कुछ भी ठीक लग रहा है या गलती हो चुकी है, अगर ठीक लगा है तो ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर लग रहा है कोई गलती है तो यहाँ पे एक पेलसिंग का बटन मिलेगा, पेलसिंग पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने बाद यहाँ पे आप कोई भी गलती है उसे आप ठीक कर सके, दोबारा से अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल ही डिलीट करना है, बिल्कुल हटाना है इसे, तो यहाँ पे डिलीट का बटन भी मिल रहा है, डिलीट पर क्लिक करके आप डिलीट भी बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर डिलीट नहीं करना है तो आपको इस पर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट जो भी कुछ करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूपी बोर्ड और आपका डेट ऑफ पासिंग जो भी है वो सिलेक्ट करिए, डेट ऑफ पासिंग और प्लस आपका रोल जो कुछ भी डिटेल है यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने देख लिया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अभी अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद मेरे सामने देख सकते हैं मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर दिखा दिया गया है। अगर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जाति के लिए जो है जो SC ST वाले हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर देखने के लिए बोला जाएगा कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ से आप ये जो ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कौन सा अपलोड हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। उसके बाद नीचे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए बोला जाता है, तो फ़ोटो सिग्नेचर आपका लग जाएगा जो कि 30 KB से लेकर 70 KB के बीच आया। अगर आपको इसमें चेंज करना है फ़ोटो वगैरह में तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लगेगा कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक चीज बोला जा रहा है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले यहाँ पे बोला जाएगा कि प्लेस का नाम आप फिल करेंगे, तो अपना प्लेस का नाम डालना है जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आप टिक कर देना है, और टिक करने बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है, नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल देंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद ही आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा, तो पेमेंट आप QR कोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो हाँ जी हाँ जी, तो दोस्तों जैसे आप मतलब कि कुछ भी ठीक करना चाहते हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कर देना है जनरेट OTP, क्लिक OTP जाएगा, OTP डाल देंगे, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट आप कर देंगे, 250 रुपये आपको पेमेंट लगेगा, 100 रुपये आपको बनेगा,
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इतना काम करने के बाद आप खुद भी कर सकते हैं इस काम को, या साइबर कैफे पर करा सकते हैं किसी पे जाके। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है इतना ही था कि आपको मैं बता पाऊँ कि दोस्तों कितना जो है काम कर सकते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं आपको इतना काम करना है, और अब बाकी का काम आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, जो रेलवे के फॉर्म के आरपीएफ के फॉर्म के अप्लाई के कनेक्शन कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, वीडियो में बताया है मैंने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।